जी, हम लॉ ऑफ साइंस हमने किया लास्ट इन आवर कंसेप्चुअल मैथ सीरीज, एंड वी आर ऑन द ट्रिग्नोमेट्री एंड वी विल कवर ऑल एरियाज इन अ वेरी गुड फन एंड इंटरेस्टिंग वे, बट वेरी डीप. देन विद प्रैक्टिस वी कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद बाई टू यूज इट इन आवर रियल लाइफ. एंड ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली यूज इन द रियल लाइफ ट्रमेंडसली, एंड इज ऑल्सो यूज इन द लाइफ वेयर वी कांट इवन टेंजेबल. हमारी जो इनटेंजेबल चीज़ें हैं वेव्स, और उनमें भी बहुत ज़्यादा काम आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एवरीथिंग. सो हियर वी आर वेयर वी फाउंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स अपोजिट टू दैम यूजिंग साइन. एंड इट वॉज अ वेरी सिंपल रिलेशनशिप कि कोई भी दो साइड्स हैं, the relationship between them and the angle opposite is not simple that we can write this angle, it has to be sine of that angle, right? So good, so now we go to cosines kaise related hain, and we will call it law of cosines. Simple, pythagorean theorem, which is our old friend, will help us. Hamari ek triangle hai ABC, and we can use pythagoras only works for राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो हमने ड्रॉ करके राइट एंगल बना दिया, और अगर हम इसको एक्स कह रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम सी माइनस एक्स. एंड नाउ वी कैन स्प्लिट दिस ट्राइंगल जस्ट फॉर सेक ऑफ इट इन टू टू. वन ट्राइंगल इज दिस टाइप एंड वन ट्राइंगल इज दिस टाइप. वन हैज एच बी एंड सी माइनस एक्स, राइट? दिस वन रिलेट्स टू दिस एंड वन इज दिस. इनको जरा इनका पाइथागोरस देखते हैं कि इनकी this square plus this square must be this square, and this square must and this square must be this square. Pythagoras is our old friend, so that's how we can apply. Very very simple. इसमें अब हम देख रहे हैं कि h square दोनों में आ रहा है, तो हम इससे भी h square बाहर निकाल सकते हैं, इससे भी h square बाहर निकाल सकते हैं. We can equate the two equations, which is simple algebra, nothing new. तो इनको जब equate करेंगे तो हमें इसमें से बड़ी interesting ये चीज़ आएगी, ठीक है? अब जो x और a है, ये तो हमें पता है कि ये कोसाइन के साथ रिलेटेड हैं इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल. तो ओके, वी कैन रिप्लेस दिस. इफ वी रिप्लेस दिस, वी रीच ओवर देयर. नाउ दिस गिव्स अस अ वेरी गुड पैटर्न. दिस गिव्स अस दैट हम बी और ए और सी लें, तो ए और सी के दरमियान वाला एंगल अगर पता हो तो दिस इज द रिलेशनशिप इट होल्ड्स. नाउ वेट अ मिनट, अब आपको ये थोड़ा सा शायद ट्रिकी लग रहा है, बट इट्स नॉट ट्रिकी, इट इज एक्चुअली पाइथागोरस. हाउ? अब देखें जरा, पहले इसको जनरलाइज कर लें. जो हम कह रहे हैं कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू द अदर टू साइड्स माइनस समथिंग. अब इस केस में तो ये था ना, अगर ऐसे होता बी ए सी कि बी स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यहां तक तो पाइथागोरस था, लेकिन ये पाइथागोरस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो देर इज सम फैक्टर एडेड टू पाइथागोरस बिकॉज इट्स नॉट पाइथागोरस बिकॉज इट्स नॉट अ राइट एंगल. दैट फैक्टर इज द सेम टू साइड ए सी टू टाइम्स एंड एंगल बिटवीन ए एंड सी. जिस पैटर्न, मैथ इज अबाउट पैटर्न, और इसको हम दूसरों पर यूज करते हैं. इफ इट इज सी स्क्वेयर, take the other two like Pythagoras and a b angle between them, and it is a square, take the other two like Pythagoras and b c and angle between them. Now if you look at it closely, essentially it is Pythagoras, but Pythagoras further extended and generalized. Misal ke taur pe agar ye triangle right angle hoti, agar right angle hoti to aap sochein ki right angle mein ye idhar aa jati, तो बी क्या होना था? 90 हो जाना था ना. इसको मैं खींच के इधर ले जाऊं तो बी 90 हो जाएगा, तो इस पे मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा? कोसाइन ऑफ 90 जीरो हो जाएगा एंड आई रीच द पाइथागोरस. देखे ना, राइट? कोसाइन ऑफ 90 हो जाएगा एंड आई रीच द पाइथागोरस, क्योंकि मैं उस बी को यहां से पकड़ के मैंने 90 कर दिया. तो असल में ये जो कवानीन हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस, दीज आर पाइथागोरस, बट इट इज अ पाइथागोरस एक्सटेंडेड टू अदर ट्राइंगल्स हु आर विच आर नॉट इवन द राइट एंगल्स. सो वी कैन से द लॉ ऑफ कोसाइंस इज अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम. इट इज द फर्स्ट टाइम एवर
that we have gone, we have even extended the Pythagorean theorem. Otherwise, the Pythagorean theorem ke andar hi hai, and we are still there. So this is the law of cosine. So bas ye law aapko ek pattern mein yaad kar lena hai. तो यूज़ से याद हो जाएगा. यू विल डू टू क्वेश्चन और इसको फिर आप यूज़ भी कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप ए बी सी पता है आपको तो यू विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन. आई डोंट नीड टू डू इट, इट्स सो सिंपल, इट्स जस्ट पुटिंग एंड प्लगिंग इन नंबर्स. हम आमतौर पर सिर्फ नंबर प्लगिंग करते रहते हैं, तो थोड़ा सा समझना चाहिए फिर आपको समझ आ जाएगा. इसी तरह दिस इज़ अ क्वेश्चन, यू कैन पॉज राइट इट डाउन. दिस इज़ द सोल्यूशन, यू कैन पॉज राइट इट डाउन. एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन, सो देर विल बी सम क्वेश्चंस वेयर यू कांट फाइंड सोल्यूशन बिकॉज ये अगर साइड छोटी हो जाए तो सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना, बिकॉज दे डोंट मीट अप टू मेक अ ट्राइंगल. सो इसी तरह इनका एक और पैटर्न भी है विच विल डू नेक्स्ट टाइम.